देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 28 फरवरी 2022 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 162 नए मामले, मौतें 2 और 386 रिकवरी दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 2049 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 215 नए मामले सामने हैं, 220 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 1944 हैं। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 67 नए कोविड के मामले, 125 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है। सक्रिय मामले 729 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 330 नए कोरोना के मामले, 383 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 2193 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 151 नए मामले सामने आए हैं, 453 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 3237 हैं। नंबर छह, आसाम में कोरोना वायरस के 11 नए मामले सामने हैं, 22 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना वायरस की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 1569 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 366 नए मामले सामने आए हैं, 801 रिकवरी हुई है और 17 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 6526 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में आज कोरोना वायरस के 66 नए मामले सामने हैं, 25 लोग ठीक हुए हैं और 1 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2392 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 439 नए मामले सामने आए हैं, 1209 लोग ठीक हुए हैं, 1 मौत हुई है। सक्रिय मामले की संख्या 6393 है। नंबर दस, पांडिचेरी में आज 10 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं, 37 रिकवरी दर्ज की गई। सक्रिय मामलों की संख्या 142 है। नंबर ग्यारह, गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने हैं, 40 रिकवरी हुई है, 1 मौत रिपोर्ट की गई है। सक्रिय मामले 301 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 136 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 803 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 2850 हैं। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 531 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 1102 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 4969 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2524 नए मामले सामने आए हैं, 5499 लोग ठीक हुए हैं और 62 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 30745 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 392 नए कोरोना संक्रमण के मामले, कोई भी मौत नहीं और 869 ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले 3851 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 26 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 55 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई। सक्रिय मामले 481 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं, 95 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। सक्रिय मामले 1145 हैं। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने हैं, 50 लोग डिस्चार्ज हुए, इस दौरान 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 339 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 59 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, 69 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 321 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 251 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 876 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 8 लोगों की मृत्यु हुई है। सक्रिय मामले 2499 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला नहीं आया है, इस दौरान 6 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 27 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 782 नए मामले सामने हैं, 1361 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना वायरस की वजह से 2 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले 11225 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में आज 334 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 609 डिस्चार्ज, 3 मौतें दर्ज की गई। सक्रिय मामले 3954 हैं। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 580 नए मामले सामने आए हैं, 554 रिकवरी हुई हैं, कोरोना से 3 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले 2086 रह गए हैं। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 21 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 149 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 117 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 298 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 1705 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 54 नए कोरोना के मामले, 137 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई। केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 788 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 36 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 28 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 196 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 210 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 539 लोग डिस्चार्ज हुए, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 7268 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य के आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।